आईसीसी आप पीएसएल के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, गाना आपसे भी नहीं बनाया गया, फीफा से कुछ सीखे, आपने जोकर एक डाल दिया रणबीर कपूर का और जश्न बोले दिल में पता नहीं क्या क्या, मेरे से सुना नहीं गया यार। आज बात करेंगे आईसीसी के ब्लंडर पे, आईसीसी का सॉन्ग सबसे फेल तरीन गंदा सॉन्ग है, इस पे आज बात करेंगे कि आईसीसी ने क्या किया है, वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। वैसे इंडिया से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहां पर बॉलीवुड है, वहां पर एक कल्चर है गानों का, वहां पर अच्छे अच्छे सिंगर है, अच्छे अच्छे म्यूजिशियन है, लेकिन 2011 से कुछ सीख लेते, क्रिकेट का कोई नाम तो आता, दे घुमा के गाना आपको याद है कितना हिट सॉन्ग था, और यहाँ पर तो एक ट्रेन में बस एक जोकर को आप सबको ये बता रहे हैं ओडीए के वर्ल्ड कप है, ओडीए के वर्ल्ड कप है भाई, ये होती है कैंपेन, आपने प्रॉपर एक बनाना होता है, सारी नेशन को इन्वॉल्व करना होता है और बताना होता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, ओडीए का वर्ल्ड कप या टी20 ओडीए, इस पे आप पूरी इंडियन वहां भी घुसी क्या टी20 ओडीआई क्या यार, आप बॉल को तो साइड पे रखिए, म्यूजिक होता है, थीम म्यूजिक होता है, थीम से स्टार्ट होता है, आपने स्टार्ट किया है उसको, एक जोकर को नचाते रहे पूरे वर्ल्ड कप सॉन्ग में, हमें रणबीर कपूर नजर आता रहे, उसने किया क्या आगे, एक ट्रेन के अंदर है वो झंडे घुमाते जा रहे हैं, और ये का थीम सॉन्ग था, आपने वाकई फीफा वर्ल्ड कप से कुछ सीखे, वहां पर एक थीम म्यूजिक होता है, वहां पर कंट्रीज का एक आता है और एक फील आती है कि आपको एक इवेंट का आपको थीम सॉन्ग आ रहा है, ऐसा लग रहा था जिस तरह वो स्टार्ट में नंबरों में गाना नहीं आता बॉलीवुड की मूवी में, आपने तो वो बना के रख दिया, मैं तो इसको रेड करूंगा पीएसएल के गानों से भी नीचे, पीएसएल के गाने बहुत ही बुरे होते हैं, हम जब भी रिलीज होता है उस पर तनकीद ही करते हैं क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं होते, लेकिन इंडिया में मैंने आपको जैसे बताया कि वहां पर तो म्यूजिशियन की जो एक लॉट है, वहां पर तो बॉलीवुड है, बॉलीवुड का मतलब वहां पर सॉन्ग कल्चर है, यही मैं आपको कह रहा हूं, वैसे भी बॉलीवुड उन्होंने बीच में कुछ आ दिया, उन्होंने किसी फिल्म का गाना थोड़ी था, ये आपने प्रॉपर एक आप नेशन होती है, ये इंटरनेशनल इवेंट का एक सॉन्ग है, इसमें सब नेशंस को रिप्रेजेंट करें, उसके अलावा एक बड़ा अच्छा सा सॉन्ग होना चाहिए जो सब कल्चर को एक अट्रैक्ट करे, स्टेडियम से नजर आए थे, कुछ छक्के चौके नजर आ जाते थे, कुछ फॉर्मर प्लेयर नजर आ जाते, सारा ग्रीन स्क्रीन के अंदर आपने एक स्टूडियो में एक हल्का सा एक बेकार सा गाना बना दिया, इस तरह का गाना तो गली मोहल्ले में बजा, ये जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट था ये कहां से कॉन्सेप्ट आया हुआ था, एक ट्रेन चल रही है वहां पर एक जोकर नाच रहा है और उसके इर्द गिर्द लोग झंडे लेके वो फिर रहे हैं और एक ही बंदा अपने आप को प्रमोट करता रहा है, कभी कैप सीधी कर रहा है, कभी उल्टी कर रहा है, पूरे गाने में यही बताया जा रहा है ये ओडीआई है, ओडीआई है, ओडीआई यार सबको पता है, ओडीआई क्रिकेट फैंस को पता है, ओडीआई ये प्रॉपर है क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, क्रिकेट की बात होनी चाहिए थी यहाँ पर, ये फॉर्मेट आप बताने लगे हैं टी20 हो रहा है, ओडीआई हो रहा है, ऐसे नहीं होता है, और मैं आपको बार बार कहूंगा वैसे भी ये पूरे नेशंस की पूरे इंटरनेशनल इसमें एक ना म्यूजिक होना चाहिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक मुल्क का म्यूजिक घुसा देना, भंगड़ा घुसा देना और उसमें जोकरों की तरह नाचते रहना, ऐसे नहीं मजा आता। आपको 1992 का वर्ल्ड कप का सॉन्ग याद होगा, क्या वो सॉन्ग था, आज तक भी वो हमारे ना कानों में गूंजता है। इसके अलावा आपने साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो गोरो ने होस्ट किया था, उसका आपको पता है कि लास्ट टाइम का आपका थीम सॉन्ग जो था इंग्लैंड में, कितना मजे का थीम सॉन्ग था, लेकिन इंडिया से भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हरियाणा का इंडिया का कितना जबरदस्त, वो एड़े पेड़े दे घुमा के वो कितना मजे का सॉन्ग था, और 2015 का कैसा जबरदस्त था वो वहां के ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से था, लेकिन ओवरऑल बात की जाए ये इस सॉन्ग की ना वर्स्ट सॉन्ग किसी मूवी का सॉन्ग लग रहा था, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन में जब नंबर चल रहे होते हैं ना, तो वहां पर एक आता है और हीरो घूम रहा होता है, और आपने तो रणवीर कपूर का एक लगता है मूवी का प्रमोशन था, ये तो आईसीसी का जो लग नहीं रहा था कि किसी इवेंट का कोई सॉन्ग रिलीज किया आईसीसी ने, आईसीसी को होता क्या जा रहा है, मेरा हर ब्रॉडकास्टर जो है वो इंडिया के होने की वजह से बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गया बॉलीवुड का वहां पर, और बिल्कुल ही एक स्पोर्टिंग इवेंट का टच ही नहीं आया इसमें, ऐसा लग रहा था जिस तरह मैंने बार बार बोलूंगा कि इतना तेज जो भी सिंगर था इतना तेज बोला है, आते ज्यादा आपको लिरिक्स तो वो क्या कहते हैं ऑन करने पड़ते हैं, उसके लिए वो आपको कैप्शन ऑन करने पड़ते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है, और फिल्म में आपने बड़े स्मूथ चलना चाहिए, और रैप डाल दिया, रैप पीएसएल का गाना में डाल दिया, ये रैप वाला नया सिलसिला है, और आपने जब उसमें डाला आप किसको आउटडोर तो लेके जाते, कुछ स्टेडियम दिखा देते, कुछ फ्लड लाइट दिखा देते, कोई क्रिकेट मैच होता हुआ दिखा देते, आपने तो कुछ आपने पैसा कमाया, आपने शॉट मारी उसमें शीशा टूट गया, बॉल बाहर निकल गया, ये कौन सा आपने वो दिखाया, क्या इससे हुआ, उसके बाद एक लड़का खड़ा हुआ उसने आउट दे दिया, सारे झूमने लग गए, क्या हो रहा था, जोकर था ये, कोई लकी रानी सर्कस का कोई गाना रिलीज हो रहा था, मुझे तो वही लग रहा था, ये जब तक ये आईसीसी इंडिया के हाथ में देर खेगी ना ब्रॉडकास्टर अपने इंटरनेशनल इवेंट्स की, तो यही होता रहेगा, यही बेरगर होता रहेगा, अभी आप देखेंगे वहां पर, यहाँ पर भी माइनस का शो किया गया, दूसरे कंट्रीज के झंडे बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक इतना सा झंडा है वो बंदा लेके खड़ा हुआ है, और एक बंदे ने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है उसमें, ये तो वैसे भी इनके ना खून के अंदर है, ये तो उन्हें हरकतें करते रहे, अगर 10 कंट्रीज थी तो 10 कंट्रीज के झंडे ही दिखा देते, बड़े बड़े झंडे दिखा देते, कुछ राउंड दिखा देते
ये वर्ल्ड कप हो रहा है, 10 कंट्रीज में शामिल हो रही है, आपने क्या दिखाया पीछे, इंडिया 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 के जो झंडे हैं बार बार नजर आ रहे हैं। पंजाबी की मिसाल है ना कि बंदर आज माचिस आ गई है और ये वही हुआ है और ये माचिस दे दी गई है बंदर, तो ये बंदर जो है ना वो शहर जलाएगा माचिस के हाथ में आ गई है। वाकई ये टूर्नामेंट का जो स्टार्ट है वो इतना बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग यार बॉलीवुड है इंडिया में, इसका इंतजार हो रहा था, सब पूछ रहे थे सॉन्ग कहां है, अब जितने भी लोग पूछ रहे थे सॉन्ग कहां है वो सारे कह रहे हैं सॉन्ग वापस ले जाओ। हम तो सोच रहे थे कि ये पीएसएल के जो गंदे गाने आते हैं ना रिलीज होते हैं उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन आपने तो उसको पिछाड़ा है। अच्छा मैं आपको बताऊं वैसे भाई, अभी तक जितने भी व्यूज आए ना तकरीबन 10 मिलियन व्यूज आ गए, कितने आ गए, 700K आए हैं। हां अभी 1 मिलियन व्यू भी नहीं आए, इतना गंदा गाना है और उसमें से सिर्फ 10% लोगों ने लाइक किया, बाकी सारा 90% डिसलाइक है। नहीं 8% लोगों ने लाइक किया और डिसलाइक का बटन भी ऑफ है वहां पर जहां पर रिलीज हुआ है ना गाना, क्योंकि डिसलाइक बहुत ज्यादा हो जाने थे वहां पर पता चलता तो क्या होता, तो वहां पर बिस्ती हो जानी थी जिस तरह हम कह रहे हैं, लेकिन ये कि अब तो चेंज नहीं होता था, लेकिन आईसीसी को सोचना चाहिए था। अब मुझे बताएं इस गाने में से जब आपका प्रमोशन निकलेगा या वो मैच स्टार्ट होता है तो कौन सा हिस्सा लगाएंगे, जिस तरह एक थीम सॉन्ग में आता था आपको बताएं कि वो जब स्कोर कार्ड दिखाते हैं पीछे म्यूजिक चल रहा होता है गाने का कि हमारा ये थीम सॉन्ग था, तो कोई ना कोई छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे भंगड़े छंगड़े वाला, लेकिन भंगड़ा हर जगह तो नहीं, लेकिन ये सूट ही नहीं किया ना एक वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट को, ये गाना सूट ही नहीं किया, एक म्यूजिक सूट नहीं किया, आईपीएल का गाना होता था समझ आती है आपका अपना कल्चर, आपका जो आपने जो थीम में जो आपने जो एक्टर डाला है वो ही सूट नहीं किया, वो जोकर लग रहा था उसमें, वो डांस करता हुआ वो अपने आप को प्रमोट कर रहा था, वो आईसीसी के टूर्नामेंट को प्रमोट नहीं कर रहा था, वो एक आपका वही केएल राहुल टाइप है, शाहरुख खान डाल दिया इधर, रणबीर कपूर डाल दिया, रणबीर कपूर को प्रमोशन करनी थी आईसीसी इवेंट में, वो अपनी प्रमोशन में लगे हुए थे, देखा नहीं आपने किसी तरीके से अपनी वो ड्रेसिंग पे वो दिखे, और ड्रेसिंग भी उनकी इतना गंदी, उनकी ड्रेसिंग सेंस है ना जोकर लगते हैं वो, पता नहीं कहां से इंडिया में हिट है वो, इनको ही डालना तो इससे ऋतिक रोशन थे, अब आप सलमान खान को डालते इतना बड़े आपको लेजेंड है, आपने ये जो उठा के नमूना डाला है उसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया सॉन्ग का। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा और फजूल लगा। हमारी तरफ से तो भाई इसको ना बिल्कुल 0 पॉइंट है 10 में से, बिल्कुल अंडररेटेड गाना है ये बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।